भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग गुस्से में हैं और लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई जारी है, जो अब विवाद का नया रूप ले चुकी है और लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने को लेकर एक नई सियासी जंग हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। वहीं कल रविवार को प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चलाने का मामला और ज्यादा बिगड़ गया है और जिसके चलते AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है और गुजरात के कच्छ में रैली के दौरान ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी से अपील है कि अदालतों में ताला लगा दिया जाए। जब सीएम तय करेंगे कि मुजरिम कौन है तो कोर्ट की क्या जरूरत। ओवैसी ने आगे सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया है। अजय टेनी को कुछ नहीं किया गया। अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, अगर फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। बताओ देश के पीएम ये नफरत नहीं तो क्या है। उन्होंने आगे कहा, यूपी का सीएम यूपी का चीफ जस्टिस बन चुका है, वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ना है। आप एक समुदाय के घरों पर बुलडोजर चलाकर देश के संविधान को कमजोर कर रही हैं। अदालत को ताला लगा दो, जजों को कह दो कि अदालत ना आए। आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा फैलाने के आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के घर पर पीडीए ने बुलडोजर चला दिया। पीडीए की कार्यवाही के बाद जावेद का आलीशान घर देखते ही देखते खंडहर में बदल गया होगा। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात रही। भारी फोर्स के कारण मोहल्ले के लोग विरोध की हिम्मत नहीं जुटा सके। वहीं अधिकारियों का कहना है कि घर गिराने के लिए 3 दर्जन से अधिक लोगों के मकान को चिन्हित किया गया, इनके खिलाफ भी कार्यवाही की जा सकती है। जावेद के घर से कई कारतूस और असलाह भी बरामद हुए हैं। 12 बोर का तमंचा और अन्य असलाह बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से एक तरफा कार्यवाही करते हुए सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि भाजपा के मन में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत भरी है। और उनकी पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने वही कहा है जो भाजपा की विचारधारा का हिस्सा है। क्या ऐसे बिना आरोप साबित हुए किसी के घर पर बुलडोजर चला देना लोकतांत्रिक देश की कार्यप्रणाली का हिस्सा है? शायद नहीं। ऐसा तो सिर्फ एक तानाशाह अपनी सनक पूरी करने के लिए करता है और ऐसा ही कुछ योगी के उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसे और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM न्यूज़ एक्सप्रेस।